नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। अब उत्तर प्रदेश में नहीं होगा कोई अल्पसंख्यक कोटा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा अखिलेश यादव सरकार की तुष्टीकरण की नीति और गैर जरूरी सभी योजनाओं को खत्म किए जाने का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में योगी सरकार सभी योजनाओं से अल्पसंख्यक कोटे को खत्म करने की तैयारी कर रही है। योगी कैबिनेट जल्द ही ये प्रस्ताव लाने वाली है। मौजूदा समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने इस कोटे को खत्म करने की सहमति दे दी है। उन्होंने कहा, योजनाओं में कोटा देना उचित नहीं है, हम इसे समाप्त करने के पक्षधर हैं। योजनाओं से बिना भेदभाव के सभी का विकास होना चाहिए। इसके पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी इस कोटे को खत्म करने की सहमति दे चुके हैं। दरअसल नई सरकार के गठन के साथ ही अल्पसंख्यकों को दिए जा रहे इस कोटे को खत्म किए जाने की बात शुरू हो गई थी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं में अल्पसंख्यकों को कोटा देने की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2012 में की थी, जिसके तहत प्रदेश सरकार की 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 20% कोटा निर्धारित किया गया था। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद समाजवादी सरकार की कई योजनाओं को खत्म किया जा चुका है। योगी सरकार अखिलेश यादव के फोटो वाले राशन कार्ड बंद कर चुकी है। साथ ही समाजवादी पेंशन योजना पर रोक के साथ पोषण मिशन कमेटी भी रद्द कर दी गई है। इसके अलावा जिन योजनाओं पर समाजवादी शब्द था उसे भी हटा दिया गया है। समाजवादी शब्द की जगह मुख्यमंत्री लिखा गया है।